इसके बाद में ये बाद में बताया था कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, कीमत समझेंगे, आज बच्चे कम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं थोड़ा। हमने ये बताया था आर आर की वैल्यू निकालने के लिए, हमने बताया था प्लस माइनस टू सी माइनस एम अपॉन एम, और इसमें भी हमने बोला था कि प्लस माइनस होगा, दिस इज द रूट, रूट के फॉर्मेट में होगा। देयर देयर एम इज वॉट, एम इज इक्वल टू एन माइनस वन एंड सी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइंस इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसी के बाद डिग्रेशन हमने बताया था, उसके बाद हमने आपको डिग्रेशन बताया था। हमने लास्ट टाइम आपको बताया था ऊपर एक रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने बताया था। दिख रहा है, से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चंस बताया था, चलिए दोहरा देता हूँ क्वेश्चंस को, नोट हो गया। कोफिशिएंट ऑफ सी ओ ई डबल एफ आई सी एंड टी, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, जिसमें आर हम लोग निकालते हैं कोरिलेशन। मोबाइल बंद ऑफ कीजिए। वो आज तुम लोगों के दोस्त नहीं आए सब, क्या गुस्सा गए क्या? चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, रिवीजन करा रहे हैं ये कोफिशिएंट ऑफ, जैसे कि अगर हमारे पास दे रखा है एक्स, सॉरी एक्स एंड वाई, ये चलिए जो क्वेश्चन दिए थे उसी को देख लेते हैं। थ्री एट फाइव इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड सेवेंटीन, ये दिए थे क्या? ये था टू फाइव सिक्स नाइन इलेवन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन, इसका हम लोग आर फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन से आर फाइंड आउट। मैंने सिखाया था आपको कि साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ वाई,
साइन ऑफ एंड क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा, उसको छोड़ करके हमने बताया था फर्स्ट कॉलम को आप क्या करेंगे छोड़ देंगे, उसके बाद आप इसको डिसाइड करेंगे, इसको आप छोड़ करके आप सारे चीजों को देख सकते हो, इनको फर्स्ट को छोड़ करके दोनों में फर्स्ट पार्ट को आप लीव करेंगे। तो क्या बताया था ये देखिए, एट है, एट को थ्री में से आप घटाएंगे तो क्या बचेगा, फाइव बचेगा ना, ये फाइव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव फाइव यहाँ पर पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, सेकंड का फाइव माइनस एट क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस थ्री, ये माइनस में ऐसा इसको करोगे तो आप क्या होगा, इनमें से इलेवन माइनस फाइव कितना होगा, सिक्स ना, सॉरी ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद आओ ट्वेल्व माइनस इलेवन, नहीं वह रिवीजन करा रहे हैं, कितना हो जाएगा, प्लस ही होगा, इसको करोगे तो अब क्या होगा, प्लस होगा। थर्टीन माइनस दिस प्लस ही होगा, और ये क्या होगा, प्लस ही होगा। इसमें मैं बात करूं y के लिए, साइन y के लिए करोगे, फर्स्ट को छोड़ देना है आपको, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप देखो फाइव में से टू की बात करो कितना हो जाएगा, प्लस ही होगा ना, ये माइनस हो जाएगा, सिक्स में से फाइव जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर नाइन में से सिक्स की बात किया जाए ये ऊपर वाला प्लस ही होगा, ये यहाँ पर प्लस होगा टू होने के कारण प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सिंपल सा है। इसका प्रोडक्ट की बात किया जाए तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्रॉस प्लस क्या होगा, प्लस इंटू प्लस, यानी कि प्लस प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई कर रहा है ये आप, ऐसी काम नहीं कर रहा है क्या, मूवेबल कर दो उसको, कहाँ से आ रहे हो, आंटी फैक्ट्री तो इधर है ना, अंकड़बाग किस चीज के जाम लगा हुआ है, मैं भी तो उधर से ही आ रहा हूँ, पता कीजिए सर, देखिए सर आधा घंटा पहले मैं पहुंच आया हूँ, सबसे ज्यादा जाम यहाँ पे था, तो आप आते क्यों, ब्रिज से आते होगे ना जी, नीचे जंक्शन क्यों जाए, मैं भी उधर से आता हूँ, बट हम ऊपर से ब्रिज पकड़ लेते हैं उस साइड, इसको लाने चले गए, मैं सचिवालय से होकर के क्रॉस करता हूँ, सचिवालय से क्रॉस करते हैं आरजेडी की होते हुए, क्या सर ऐसे वह रोड खाली रहता है जनरली सचिवालय वाला, कभी नहीं बैक कीजिएगा, लेट से ज्वाइन किए ये था बैक में, इसको पहले इसको लिखना है सर, इसको था ना पहले, ये बता चुके हैं, विजन करा रहे हैं, ठीक है, आज नया कुछ नहीं बताए, कुछ अभी बहुत सारी चीजें पढ़ाए, रिवीजन कराए, कुछ नहीं बताए, इसको नोट करिए, नहीं आप लोग का कोर्स कंप्लीट के ही है, थोड़ा सा रह गया है, इतना रिवीजन कर लो, ये चीजों को कर लो, एग्जाम में आसानी से पास, सिर्फ क्वेश्चंस बनाना है, एग्जाम में आसानी से पास कर जाओगे, पास के अच्छे नंबर अच्छे नंबर आ सकते, सर इसका मॉडल पेपर लेना सही रहेगा,
ले लीजिए। मीडियम का। ओ अभी तो आया नहीं ना होगा सर। आई डोंट, यहाँ देखिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। तो इस फॉर्मूले के अनुसार आप रखोगे कि क्या हो जाएगा अपने पास, आर अपने पास, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम की वैल्यू, एम इज व्हाट, एम इज इक्वल टू बताया था ना एन माइनस वन, एन माइनस वन कहने का मतलब हो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना डाटा, डाटा का पूरे ऑब्जर्वेशन 7 माइनस 1 दैट इज 6, ये आपके पास 6 है। ओके हाँ, और सी सी का मतलब क्या हुआ, सी हमने बताया था, यही क्वेश्चन बताया था, फिर से दोहरा दे रहे हैं आपको। सो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन देख काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 कितना हो गया 5। ये सारे वैल्यू को आप रख दीजिए, आर इज इक्वल टू हमने बताया था ये प्लस माइनस याद रखना होगा, ये अंडर रूट सी माइनस एम डिवाइडेड बाई एम दैट इज, इसमें रख देंगे वैल्यू को आप। सो सेवन काउंट करो ना, ये ऑब्जर्वेशन काउंट करो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 दोनों में 7 7 ही है। ये तो हमने ये बोला है कि इसको छोड़ने के लिए, तो इसलिए हमने बॉक्स बनाया है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे पॉजिटिव का पार्ट, ठीक है, इसमें नहीं करेंगे, ये ब्लैंक रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा 2/3 आएगा, अंडर रूट 2/3 श्योर आंसर। मैं आता हूँ मीठापुर, सारे ब्रिज एक ब्रिज बना दिया है इसलिए अच्छा थोड़ा सा आसान हो गया, और आसान हो जाएगा सब चालू हो जाएगा। मेट्रो आ जाएगा तो थोड़ा सा और ठीक जाएगा, देखिए कब से आता है, मेट्रो का ही बना रहा है ना यहाँ पर, 10 साल के बाद आएगा, आएगा ना, ऐसा थोड़ी है। कंप्लीटेड तुम लोगों को समझ आया, फिर बनता क्यों नहीं, आज समझ लिए फिर कल भूल जाना, और इतना इजी है प्लस माइनस ही करना है केवल। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहले वाला आप लोग याद है कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। जैसे दिया एज ग्रुप, नंबर ऑफ प्लेयर्स, दूसरा है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये दे रखा है। नंबर ऑफ प्लेयर्स
25 to 30 and 30 to 35 35 to 40 and 42 नहीं मिलेगा, ये नया क्वेश्चन है क्या है? इस टाइप में बताया नहीं आपसे, ये 200 दे रखा है, 270 दे रखा है, डाटा भी बड़ा बड़ा है, 240 है, 340 एंड 360 ये 400 एंड 300 नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं 150 162 172 180 को भी 180 ही लिया हुआ है एंड 120 आर पता करना है आपको कि आर क्या होगा। ये कोरिलेशन निकालना आपको, ये लिख रहे हैं नीचे में फाइंड फाइंड कोरिलेशन कोरिलेशन बिटवीन बिटवीन एज एंड प्लेयर्स age and players and players इश्काम ना लेट से क्यों ज्वाइन कर रही है? आपको एज इनके बीच और इनके बीच ही निकालना है, कैसे निकालेंगे? पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया। कोरिलेशन निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? एक्स और वाई निकाल जरूरत पड़ता है ना, आर एक्स कहाँ आर एक्स जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट मेथड एक बताया था कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट, इसके लिए क्या जरूरत पड़ती थी? तो कहाँ इसमें एक्स और वाई था, एक्स और वाई दिया रहा था, इसमें कौन सा एक्स होगा? एक्स कौन सा होगा? एज ग्रुप, ये देखो ध्यान से, एज और प्लेयर्स के बीच, मतलब इसके और इसके बीच ही चाहिए, ये नहीं चाहिए। 200 पीपल्स में से 150 जो है ना हमारे पास क्या कर रहे हैं, प्लेयर्स है, 50 नहीं है अपने पास, तो इनके और इनके बीच चाहिए। ये जो होगा वो किसको डिनोट करेगा? एक्स को डिनोट करेगा, बट एक्स कैसे निकलेगा? तो एक्स निकालने के लिए हम लोग तो सीखते आ रहे हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके बाई टू कर देते हैं, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्लेयर्स को वाई मान लेंगे, यस। ये क्या होगा, ये पहले बताओ, दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कीजिए तभी तो एक्स निकलता है, या आपके पास मीन निकालना हो तभी भी ऐसे करते हैं। 17.5 इन दोनों को ऐड करो, 22.5 डिवाइड करेंगे, इन दोनों को करिए 27.5, इन दोनों को आप करो 30.5, इनको 37.5, और ये
बोलिए 42.5। ये x हमें पता चल चुका है। अब जब आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे क्या है x y वाला, तो ये बहुत बड़ा क्वांटिटी मिलेगा। अच्छा y हमें पता नहीं है, y पता है पर डेड ये 50 150 है, बट इसका कुछ पार्ट है, ठीक है, इसका कुछ पार्ट है। कैसे करेंगे? नहीं देखिए, इसका बोल रहा है कि अगर आप इसको एक नए तरीके से आप बनाना चाहते हैं तो इसको आप y निकालिए, y इसी इसी को बोलते हैं, बट ये y जो है इसका क्या है, कितना परसेंट है ये फाइंड आउट कर लो। आप कितना परसेंट है फाउंड आउट करने के लिए 150/200 परसेंटेज। तो बड़ा हाँ पीपल्स, इसी पीपल्स में से 150 प्लेयर जो है ना वो क्या कर रहे हैं, खेल खेलते हैं, बाकी नहीं खेलते। हाँ अच्छा, कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप चाहे तो ऐसे ही वाई मान करके भी बना सकते, लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा क्वांटिटी आएगा। तो एक हमने बताया था डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड आपको शॉर्ट कर देगा, कैलकुलेशन को कम करेगा। चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते, इसको वाई मान लीजिए आप, या तो आप वाई को क्या करें परसेंटेज फॉर्मेट में निकाले, थोड़ा आसान होगा। तो परसेंटेज फॉर्मेट निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये आप निकाल करके चेक कर लीजिए। फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा, 162/270/100 परसेंटेज बताइए कितना होगा। यहाँ पर फिर इसकी थर्ड वाली की बात किया जाए, 172/340/140/100 ये क्या होगा। और इसकी बात करो तो यहाँ पर है और यहाँ पर ये और ये वाला क्या होगा, 180/360/100 और यहाँ पर आप देखें 180/400/100। इसलिए बड़ा क्वेश्चन हम बनाते नहीं है जनरली, लोग तुरंत हड़बड़ा जाते हैं। 120 लास्ट में 120/300/100 थोड़ा सा पेशेंस से करें तो क्या क्या मिल रहा है आपको, 75 ऊपर वाला 75 हुआ, ये 75% हुआ, ठीक है, ये 60 हुआ, फिर ये 40, ये 4 नहीं होना चाहिए, कितना लिए हुए हैं 172 लिए हैं। इसको आप ऐसा करो ना, थोड़ा सा इसको मैं करेक्शन कर दूं, 170 कर दो, ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा, 340 है, तो ये 50% हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा, ये 50%, ये 75%, थोड़ा सा दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 50% हो जाएगा ना, और ये कितना होगा 400 से, ये 45% होगा, 40% होगा, सॉरी 45%, और ये कितना आएगा, ये 40% आएगा, ठीक है, नोट करें। उठ गया, थोड़ा सा लंबा है,
पीछे वाला रिवीजन करते रहिए, आप इतना भी रिवीजन कर ले तो 60-70% नंबर आसानी से ला सकते लगभग 25 नंबर तो नहीं जाते। इसने क्वेश्चंस मेरे को सेंड किया था इसी में से 15-10-15 अब क्या है कि इसके बाद ये देखिए जो एक्स की वैल्यू आई ना, ये एक्स जो है अब हमें एक्स और वाई से मतलब है, सिर्फ एक्स और वाई से ही हमें सिर्फ करना है। ये परसेंटेज निकाल लीजिए आप, ये हम लोग निकला हुआ है इस x और y, यानी कि y किसको दिखा रहा है, प्लेयर्स को दिखा रहा है, ये प्लेयर्स को ही दिखा रहा है, ये y प्लेयर्स को ही दिखा रहा है, इसी को हमने क्या किया परसेंटेज में चेंज किया है। अब x और y से हम लोग कोरिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, सिर्फ x और y होना चाहिए। मैं डायरेक्ट मेथड हमने बताया था आपको, और कर्व पियर्सन करके मेथड जो बताया था वही मेथड यूज करना है। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स वाला क्या पार्ट हो गया 17.5 और क्या था 22.5, 27.5, 37.5, 37 ना 42 था। ये हो गया। एक हम लोग डेविएशन मेथड यूज करेंगे। डेविएशन मेथड क्या होता है, डेल एक्स को आप एक्स में से कोई भी आप इसमें से उठा लीजिए। आप हमने सोचा कि ये उठा लेते हैं, इसमें से हमने क्या किया इसको माइनस कर दिया, और अगर आप चाहें तो इससे मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं, जितना हो सके छोटा कर दीजिए इसको। ठीक है, तो जितना छोटा करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। दैट मीन्स ऐसा करें कि एक्स माइनस 32.5 ये उठ लिया हमने, इसी में से लेते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो बताइए तो सॉल्व करोगे तो पहला वाला क्या होगा, 5 से डिवाइड कर इसमें, पहले x में से इस क्वांटिटी में से 32.5 माइनस कीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। इसको शॉर्टकट करना चाह रहे हैं, जितना कैलकुलेशन को कम कर, नहीं होगा, करके तो देख मल्टीप्लाई करने में उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। माइनस थ्री आ रहा है ना, देखिए कहाँ हुआ, बहुत अच्छा दिखने लगा माइनस थ्री। अब इसमें से करो फिर, यस दूसरे वाले को करो, नहीं ये गड़बड़ हो रहा है। अगर x क्या है 22 है ना, आप जाकर सही बोले हो, क्या बता रहे थे माइनस टू, ये सही हुआ। फिर अगेन नेक्स्ट वाला बताओ ये कितना होगा, आप लोग गर्ल्स समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, इसमें x की वैल्यू माइनस 22.5 रखिए, 32 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, तो सॉल्व करने पर माइनस 2 मिलेगा। आपके पास कैलकुलेटर अगर रहेगा, कैलकुलेटर में आप अच्छे से अगर कैलकुलेशन करना जानते हैं तो आप रख देंगे तो आपको वही दे देगा डायरेक्ट। पहले ये माइनस करके ही करना है, आपको ये सॉल्व करना है, उसके बाद आप उसको इक्वल वाला की दाबे, इक्वल वाला से क्या होगा पूरा वो दिखाएगा, अदरवाइज उसी में करेंगे तो फिर वे दिखा देगा कि 32.5 को आप क्या किए हैं 5 से डिवाइड किए हैं, उसके बाद माइनस किए हैं, वैसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा
माइनस वन, और ये क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, और ये क्या होगा वन होगा, ये कितना होगा, ये टू होता है, ठीक है। उसी तरह से डेल वाई के लिए अपने पास है ना, वाई कितना आया हुआ है, वाई वाई बताइए तो 75, 60, 50, 50%, 60% और क्या था 45% एंड 40%। इसको भी छोटा करने की कोशिश करते हैं, इसमें से कोई ले लीजिए। उड़ सर एक बच्चा बैटिंग में है सर, डिस्कनेक्ट हो गया सर, डिस्कनेक्ट हो गया है, ईमानदारी से बोल रहे हो। यस सर, सर गांव एरिया में। क्या नाम है उसका, मुस्कान, कौन है, किसी गर्लफ्रेंड है सर। चलो नेक्स्ट टाइम से ध्यान में रखना आप लोग। चलो ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको डीवाई निकालना है। देखिए डीवाई करने के लिए y माइनस 40 अपॉन, इसको इससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, इसमें भी देखो क्या होगा। तो y माइनस 40, 40 हमने ले लिया, ये 40 डिसाइड कर लिया कि इसी से, फिर जैसे इसके लिए बनाया उसी तरह से इसको करें, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर अगेन 4, बहुत अच्छे, ये 2, ये 2, ये 1 और ये 0। अब ये क्वेश्चंस जो होगा हमारा dx और dy पर डिपेंड करेगा। अब ये यहाँ जैसे हम लोग x करते थे ना, xy is equal to dx के तरह काम करेगा और y is equal to dy के लिए काम करेगा। हैं? परसेंट गैप हो गया। इसका कोई मतलब नहीं है। ये 70%, ये 7% ही है। देखा जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको कैलकुलेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा और ये खत्म हो जाएगा। अब हमको क्या है, x इक्वल टू dx और y इक्वल टू dy, तो एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको कोफिशिएंट ऑफ r निकालने के लिए, ये पहले नोट कर लीजिए। सर समझ में नहीं आया। क्या इसमें समझने वाली बात थी, बच्चे क्लासों में तो समझ रहे हैं, बता भी रहे हैं, क्लास में आई है। तो y का मान कैसे आया? y का मान, y का मान तो पीछे बताया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है, ये 150 अपॉन 200 इनटू 100 इज इक्वल टू 75, ये तो बताया हुआ है y का मान, ये नोट किए हो सर? ये नोट हो गया, यस सर समझ में आ गया। आइए हमने कर्ल पियर्सन का एक डायरेक्ट मेथड बताया था, वो याद है, नोट किए हो? देखिए वो फॉर्मूला जो था आर एन समेशन ऑफ एक्स वाई था ना, तो एक्स के स्थान पर डीएक्स आएगा एंड वाई के स्थान पर डीवाई आएगा, ये क्वेश्चन है। तो आप x के स्थान पर dx लिख देंगे और फिर क्या था, ये था ना इनटू था माइनस हाँ समेशन ऑफ dx है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है n समेशन ऑफ dx माइनस सर एन समेशन ऑफ एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई के तो एक्स के जगह पर डीएक्स होगा और वाई के जगह पर डीवाई होगा माइनस, ठीक है। उसके बाद समेशन ऑफ डीएक्स एंड इनटू समेशन ऑफ डीवाई, फॉर्मूले में आपको ऐसा ही करना है और कुछ नहीं करना है। नीचे में क्या हो जाएगा, एन तो होगा ही, कैपिटल एन या स्मॉल एन जो भी आप बोले, यहाँ पर समेशन ऑफ डीएक्स का स्क्वायर, ये dx का स्क्वायर होगा ऐसा, ठीक है, माइनस माइनस dx का बाहर से स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे x के प्लेस पर,
और ये रूट होगा, ऐसा लिखाए थे हमने। सबको एक्स और वाई को डी एक्स और डीवाई से रिप्लेस कर दीजिए तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर ऐसा माइनस, यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा है ऐसा है दोनों, और यहाँ पर क्या होगा, समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर। अब सारे को आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपके पास आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ये आसान होता है। अच्छा बोले कि आप एक्स और वाई में भी वैल्यू को निकाल सकते थे, लेकिन आपके पास क्या होगा, कैलकुलेटर है तब, जैसे कि ये हम लोग चाहते तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी का यूज कर सकते थे। कौन कौन सा क्वांटिटी हम लोग यूज कर सकते थे, कहा गया, और ये और ये, इनसे दोनों से भी मिला करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं, बट बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, बड़ा सा कैलकुलेशन होगा, ठीक है, और रिजल्ट सेम ही आएगा अप्रोक्स, बट ये आपको आसान कर देगा थोड़ा सा, ये भी आपको आना चाहिए कैसे कर रहे हैं।